चौसा गंगा के महादेवा घाट के किनारे एक साथ कैलाशों को बहते देख लोग सहम गए हैं। जिलेवासियों को कोरोना काल का वह मंजर याद आने लगा है जब 10 मई 2021 को गंगा नदी में एक साथ सैकड़ों लाशें बह रही थी। बिहार सरकार इन लाशों को उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की सरकार इन लाशों को बिहार की बताकर अपना पल्ला झाड़ने में लगी थी, लेकिन मरने वाले तो इसी हिंदुस्तान के ही थे। 3 साल बाद भी सरकार उनकी पहचान करने में नाकाम रही और ना ही मौत की वजह बता सकी। फिलहाल एक बार फिर इसी तरह का नज़ारा गंगा में देखने को मिला है, जिससे कि लोग सहम गए हैं। जो लाशें गंगा में बहती दिखाई दे रही थी, कुत्ते उन्हें नोच रहे थे। गंगा घाट पर मौजूद ग्रामीण राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि यह वही घाट है जहां कोरोना काल की दूसरी लहर में 10 मई 2021 को एक साथ सैकड़ों लाशें बहती मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने रातों रात सभी शवों को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम कराने के बाद गंगा घाट के समीप ही जमीन में दफना दिया था। आज एक साथ फिर कई लाशों को गंगा नदी पर देखकर लोग सहम गए हैं। भीषण गर्मी की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, संभवतः उन्होंने ही नदी में शवों को प्रवाहित कर दिया। उधर इस संदर्भ में पूछे जाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ब्रिज बिहारी कुमार ने बताया कि उन्हें फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही जानकारी मिलती है, उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि गंगा में शवों के प्रवाह पर पूर्णतः प्रतिबंध है। बहरहाल देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है।